मेरे सारे प्यारे व्यूअर्स को सहनाज किचन में स्वागत है। आज दुर्गा पूजा के दशमी है, मैं सभी को शुभकामना देना चाहती हूँ। और आज मेरी किचन में एक नई रेसिपी बनने जा रही है, वो है पूरी आलू करी। चलिए शुरुआत करते हैं पूरी आलू करी के साथ। इसमें किन किन चीजों की जरूरत होती है वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। चलिए, मैं आलू ली हूँ, इसे मैं बॉईल कर दी हूँ इस तरह। इसे अभी छीलूंगी और मैं पूरी के लिए डो तैयार कर चुकी हूँ। इसमें काली जीरा और थोड़ा धनिया की पत्ती, नमक, थोड़ा ऑयल डालकर मैं गूंदी हूँ इसे इस तरह। और आलू की करी के लिए सूखे मसाले होते हैं धनिया, हल्दी, मिर्ची और थोड़े गरम मसाले। और टमाटर ली हूँ मैं चॉपिंग किया हुआ, थोड़े अनियन ली हूँ, इसे भी चॉप कर दिया है मैंने, कोरिएंडर लीव्स, कुछ अदरक और हरी मिर्च, इसे मैं कुचलकर उसमें डालूंगी, ऑयल और पचफूटन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गैस ऑन करके पैन बिठा चुकी हूँ। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। आलू करी से मैं शुरुआत करती हूँ। इसे मस्टर्ड ऑयल में भी आप लोग बना सकते हैं। जब तक ऑयल गर्म हो रही है तब तक मैं थोड़ा अदरक कूट लूं। हरी मिर्च मैं बारीक काट चुकी हूं, इस तरह कर देंगे। अब मैं पचफूटन डालती हूँ, इतना ही डालेंगे। और थोड़ा मैं ज़्यादा सौंफ का यूज कर रही हूँ और थोड़ा मैं सौंफ भी डाल दे रही हूँ। अब मैं इसमें ये सारे डाल दे रही हूँ। चॉपिंग किया हुआ हरी मिर्च है और अदरक, ये अब हो रहा है। अब मैं इसमें थोड़े सूखे मसाले डालती हूँ। सूखे मसाले में मैं थोड़ा मिर्च पाउडर डालूंगी, थोड़े क्वांटिटी में, इसलिए कि मैं हरी मिर्च यूज़ की हूँ। और हल्दी भी हाफ टी स्पून और धनिया का पाउडर 2 टीस्पून, या उससे थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। और कश्मीरी मिर्च थोड़े से, इसे थोड़ा हम ये कर लेंगे। बस तुरंत ही हमें टमाटर डालनी है। ये बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत मजेदार लगते हैं। अब हम इसे कवर करके थोड़ी देर पकाऊंगी ताकि टमाटर गल जाए। अब देखते हैं, थोड़े थोड़े गलने लगे हैं टमाटर। अब मैं इसमें थोड़े अनियन डाल देती हूँ, थोड़े ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े सॉल्ट डालना है, आपके अंदाज से डालेंगे। अब इससे थोड़ा, जब तक टमाटर थोड़ा गल नहीं जाते तब तक हम इसे थोड़ा कवर करके पकाएंगे। अब इसमें थोड़ा हम पानी डालेंगे, थोड़ा से। फिर से कवर करके मैं पकाऊंगी, देखते हैं हुआ कि नहीं। अब थोड़ा गलने लगे हैं, इसी वक्त हम इसमें आलू को मैश करके डाल देंगे। अब इसे इस तरह चलाकर इसमें पानी डालकर आपके अंदाज से पानी डालकर इसे हमें कुक करना है। देखिए कितना खूबसूरत बना है। अब ये कुक होने के बाद और मजेदार बन जाएंगे। चलिए देखते हैं बना कि नहीं।
इसमें और एक चीज डालनी है मुझे, थोड़ा काली मिर्च, थोड़ा डालेंगे ज्यादा नहीं, और थोड़ा से गर्म मसाला। अब इसमें मैं कोरिएंडर लीव्स डालूंगी, बहुत ही खूबसूरत हुए। अब मैं इसे, बहुत अच्छे खुशबू भी आ रही है। अब मैं, ये तो हो चुके, गैस ऑफ करते एक साइड कर देती हूँ, फिर मैं पूरी की तैयारी करती हूँ। अब मैं पैन को गरम करके उसमें ऑयल डाल चुकी हूँ, ये गर्म होते रहे तब तक मैं डो का एक छोटे छोटे लोई बनाती हूँ। इस तरह छोटे छोटे पूरी के लिए बनाएंगे। ये ऑयल गर्म हो चुकी है, इस तरह आप पूरी बेल लेंगे। इसमें मैं धनिया की पत्ती, काला जीरा डाली हूँ, थोड़ा ऑयल, नमक। अब और थोड़ा हॉट हो जाए, अब मैं पूरी को डालते हैं। ये पूरी थोड़ा खस्ता होता है, हमारे यहाँ इस तरह का पूरी खाते हैं आलू के साथ। देखिए कितना खूबसूरत बना है, सारे पूरी इसी तरह ट्राई कर लूंगे एक एक करके। मैं जो आलू करी बनाई हूँ इसे आप लोग इसमें भी खा सकते हैं, प्याज का पराठा इसके साथ भी आप ले सकते हैं। पूरी के साथ इसका मजा ही कुछ और है। प्याज के पराठे कैसे बनाते मैं आप लोग को बनाकर एक बार दिखाऊंगी। ये पूरी मैं बना चुकी हूँ, अब मैं करी को निकालूंगी। क्या खुशबू आ रही है, बहुत ही बेहतरीन बने हैं। काश आप लोग रहते तो मैं आप लोग को जरूर खिलाती। देखिए तैयार है अब बनकर। आज की रेसिपी आप लोग को बेहद पसंद आई होगी, और ये रेसिपी इंडिया के हर फेस्टिवल में बनाया जाता है, इसीलिए आज दुर्गा पूजा है बोलकर मैं बनाई हूँ, और आप लोग को उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। और आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।